नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। जानेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो दोस्तों ये सारा का सारा सब कुछ डिटेल वाइज जोन वाइज आपका हम बताएंगे। 1795 पोस्ट है यहाँ पे ओनली लोको पायलट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए 27,795। तो इस असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सेफ स्कोर बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको जोन वाइज क्या रहेगा इस बार सेफ स्कोर। तो दोस्तों ये सारा का सारा सर्वे हमारा सर्वे बेस्ड यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने 10,000 से अबाउ लोगों के एक सर्वे किया करवाया था। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे ये निकल के आया है लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट 80 के आसपास, यहाँ पे 70 के आसपास। तो जोन वाइज हम बताएंगे क्या यहाँ पे सेफ रहेगा क्या नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे लोको पायलट के लिए इलाहाबाद जोन की, 3,236 पोस्टें यहाँ पे है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट, लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं अच्छे इस बार लोको पायलट के लिए। दोस्तों 70 से 80 के आसपास लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है आपने नेगेटिव कितने किए, कितने आपके बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बी पार्ट की बात नहीं करूँगा क्योंकि ओनली क्वालिफाई है, तो इस वीडियो में मैं बी पार्ट की बात नहीं करूँगा। अगर आप बी पार्ट सिक्योर है आपका तो कहीं ना कहीं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है ए कट ऑफ, मतलब पेपर ए के बेस्ड पर ही आपके यहाँ पे कट ऑफ बनने वाली। तो उस हिसाब से ए के हिसाब से ही मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कितने सेफ स्कोर आपका रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो में मैं बात करूँ यहाँ पे इलाहाबाद में जनरल कैटेगरी में साइको के लिए लोको पायलट, ओनली यहाँ पे लोको पायलट की बात हो रही है दोस्तों। जनरल के लिए आपको 36 से 40 नंबर लाने पड़ेंगे ए पार्ट में अगर आपके बन रहे हैं, तो मान के चलिए साइको का आपका कोलेटर आएगा ही आएगा। वहीं ओबीसी की बात करूं मैं, 35 से 38 के बीच में आपके सेफ स्कोर है, ये मान के चलिए आपका कंफर्म कॉल आ सकता है क्योंकि ये सेफेस्ट जोन है एक तरीके से, सेफ जोन है इलाहाबाद। सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोस्ट है यहाँ पे लोको पायलट की 3,236 के आसपास यहाँ पे पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं चांसेस बनता है एससी एसटी मान के चलिए 30 से 35 के नंबर के आसपास यहाँ पे नंबर बन रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं आपका चांस हो सकता है सिलेक्शन, ये मान के चलिए साइको का कॉल आएगा ही आएगा, कंफर्म ये लिख के लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो में मैं आगे बात करूँ सिकंदराबाद जोन की, सबसे ज्यादा तो पोस्ट नहीं है, लेकिन मान के चलिए नंबर ऑफ अगर पोस्टों की बात की जाए तो सब सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है 3,133, मतलब कि ओवर 3,000 पोस्ट है यहाँ पे सिकंदराबाद अकेले जोन में है। तो कहीं ना कहीं पे चांसेस बनते हैं जनरल, अगर आपके जनरल कैटेगरी में हो, जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 40 नंबर के आसपास आप सिक्योर हो, ये मान के चलिए साइको का आपका कॉल आएगा ही आएगा। साइको की तैयारी करिए, कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा एससी एसटी की बात करूँ 35 के आसपास आप सेफ हो, तो कहीं ना कहीं सिकंदराबाद जोन भी सेफ जोन में आता है, नंबर 2 यहाँ पे सेफ जोन है। तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं दोस्तों इस बार साइको के। नंबर 3 पे दोस्तों यहाँ पे भुवनेश्वर आता है, सबसे सेफ जोन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मान के चलिए 2,228 के आसपास पोस्ट है अकेले लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की सॉरी दोस्तों यहाँ पे। तो जनरल के ये मान के चलिए दोस्तों 40 से 42 के आसपास बनते हैं आपके एवरेज कट ऑफ, ये मान के चलिए यही रहने वाली है इस बार जनरल की सेफ स्कोर वाले सेफ जोन वाले इलाकों में। तो दोस्तों यहाँ पे ओबीसी की बात करूँ 36 से 40 के बीच में भी आपका अगर बन रहा है मार्क्स, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस है, साइको का कॉल आएगा ये मान के चलिए आप। एससी एसटी की बात करूँ तो 32 से 35 नंबर एसटी में और एससी में 36 से 38 के आसपास आपके बनने चाहिए इस जोन में। दोस्तों वीडियो में आगे बात करता हूँ मुंबई जोन की, मान के चाहे जनरल में 44 से 48 के बीच में आपको मुंबई जोन में लाना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट थोड़े ज़्यादा है। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है कहीं ना कहीं, ये मान के चलिए जनरल में आपके 44 से 48 के बीच में होने चाहिए। वहीं ओबीसी की बात करूँ दोस्तों 40 से 45 के बीच में आपके ओबीसी कैटेगरी में होने चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे मैं एससी एसटी कैटेगरी बात करूँ, एससी की यहाँ पे मान के चलिए 38 या 35 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो एससी कैटेगरी में आप सेफ हो, और एसटी की यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों 32 से 36 के बीच में आपको लाने ही दोस्तों पड़ेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे रांची जोन की, दोस्तों रांची जोन में इस बार कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2,031 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी कंपेयर टू मुंबई जोन के। तो दोस्तों ये मान के चलिए जनरल की यहाँ पे 40 से 44 के बीच में रह सकती है। दोस्तों ओबीसी की बात करूँ यहाँ पे 40 से 42 के आसपास रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो कि यहाँ पे मतलब फॉर्म फिल किए हैं तो वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड हो चुके हैं आसपास के जोन में, मतलब पोस्टेज कुछ ज़्यादा थी। तो उस हिसाब से ये मान के चलिए 40 से 42 के बीच में रांची जोन वाले ओबीसी कैटेगरी सेफ है। वहीं एससी एसटी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे एससी में आपको 36 से 40 के बीच में लाना पड़ेगा इस बार, ये मान के चलिए एससी कैटेगरी में। और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 35 से 38 के बीच में भी आपके अगर बनता है तो कहीं ना कहीं साइको का कॉल आ सकता है आपको। दोस्तों आगे वीडियो में बात करते हैं गोरखपुर जोन की, 1681 पोस्ट है गोरखपुर जोन में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जनरल वाला ये मतलब मान के चलिए 45 से 46 के आसपास, मतलब कि 45 नंबर भी आपके बन रहे हैं जनरल में, तो ये मान के चलिए साइको का कॉल आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मान के चलिए आपका कहीं ना कहीं हो सकता है फाइनल भी सिलेक्शन हो जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मान के, क्योंकि दोस्तों अगर आपके 30 नंबर के आसपास अगर आप मतलब 25 या 28 नंबर के आसपास लाते हो साइको में, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो दोस्तों आगे अगर वीडियो में बात की जाए यहाँ पे बेंगलोर जोन की, 1623 के आसपास यहाँ पे बेंगलोर जोन में इस बार पोस्ट है। जनरल में दोस्तों सेफ स्कोर रहेगा इस बार 44 से 50 के आसपास। दोस्तों थोड़ी हाई यहाँ पे हो सकती है, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है थोड़ी हाई कट ऑफ रहेगी यहाँ पे साइको के हिसाब से।
तो दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए ओबीसी की 42 से 45 के आसपास इस बार रह सकती है, वहीं एससी एसटी की बात करूँ 40 के आसपास या 35 या 38 के आसपास अगर आपके नंबर कहीं ना कहीं वेरी कर रहे हैं तो हो सकता है साइको का कॉल आपका इस बार आ जाए। ये मान के चलिए बेंगलोर जोन में दोस्तों सेफ है नहीं, डेंजर भी नहीं है, लेकिन एवरेज बीच में आता है तो कहीं ना कहीं इतनी कट ऑफ तो रहेगी। दोस्तों वीडियो में आगे अगर बात करें कोलकाता जोन की 1409 पोस्ट है जनरल की, ये मान के चलिए 44 से 48 के बीच में इस बार रहेगी, हाई जाएगी थोड़ी सी क्योंकि इस साइड में थोड़ी पोस्टें थोड़ी कम है, तो सबसे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा। वहीं ओबीसी की बात करो दोस्तों 42 से 44 इस बार में मान के चलिए कोलकाता जोन में रह सकती है। दोस्तों आगे एससी एसटी में बात करें हम, एससी की कोस्ट एससी की कट ऑफ ही मान के चलिए सेफ स्कोर ही मान के चलिए आपका 40 से 42 के आसपास साइको कॉल आ सकता है। वहीं एसटी की बात करूँ मैं दोस्तों 38 से 40 के आसपास इस बार रहेगा ही रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं बिलासपुर जोन की 1484 पोस्ट है बिलासपुर अकेले जोन में, आसपास के जोन में यहाँ पे थोड़ी बहुत नंबर ऑफ पोस्ट है थोड़ी कम है, तो सबसे कट ऑफ थोड़ी हाई जानी ही जानी है। ये मान के चलिए जनरल की आपको सभी को मालूम है 45 से 50 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, बिलासपुर में आपके अगर इन दोनों नंबरों के बीच में नंबर है तो कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों ये सारे के सारे सिलेक्शन में ओनली फॉर एएलपी मतलब लोको पायलट के लिए बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप। तो इतने नंबर इस क्राइटेरिया में आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मान के चलिए चंडीगढ़ जोन की दोस्तों बताऊं मैं 1300 के आसपास यहाँ पे पोस्ट है नंबर ऑफ, वहीं जनरल कैटेगरी में 44 से 48 के बीच में आपके आते हैं सेफ हो आप, ओबीसी में 42 से 46 के बीच में आप सेफ हो, एससी एसटी की बात करूँ तो 40 के आसपास आपके नंबर आते हैं, कहीं ना कहीं आप सेफ हो फाइनल सिलेक्शन के लिए लोको पायलट के। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए कंपटीशन थोड़ा टफ हो भी, मतलब शुरुआत में सीबीटी फर्स्ट में इतना कंपटीशन टफ नहीं था, लेकिन सीबीटी टू में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और अभी साइको में आप देखना दोस्तों कंपटीशन इंक्रीज होने ही वाला है। अजमेर में दोस्तों इस बार थोड़ी हाई कट ऑफ रहेगी, आपने देखा होगा एएलपी के सीबीटी फर्स्ट में आपने देखा होगा थोड़ी आसपास के जोन की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ जो एएलपी वाली या टेक्नीशियन वाली पोस्टों के लिए कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्तों इस बार भी एएलपी लोको पायलट के लिए थोड़ी कट ऑफ हाई देखने को मिले आपको। जनरल में 50 के आसपास इस बार जाएगी। ओबीसी की बात करूँ 40 मतलब 44 से 46 के बीच में आपके बनने चाहिए, एससी एसटी आपको ये मान के चलिए 45 के आसपास स्कोर पहुँचाना होगा, आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए अजमेर जोन से। तो दोस्तों भोपाल जोन की यहाँ पे बात करूँ 1120 है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जनरल की, 44 से 52 के बीच में यहाँ पे इस बार ये रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे आसपास के जोन में पोस्टें थोड़ी कम है भोपाल जोन में, यहाँ पे ये मान के चलिए हर बार कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, तो इस हिसाब से हो सकता है कहीं ना कहीं इस बार भी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। 44 से 52 के बीच में अगर आपके बन रहे आप सेफ हो ये मान के चलिए। ओबीसी 44 से 48 के बीच में हो सकता है, एससी एसटी 42 से 40 के बीच में हो सकता है इस बार ये मान के चलिए। जो लोग बता रहे हैं 36 जाएगी या 30 जाएगी, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है फाइनल यहाँ पे, वो लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपना व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाना है। सीधी सी बात है, मेरे को ना कोई व्यू बढ़ाने है सब्सक्राइबर बढ़ाने है, मैं सीधी सच बात बोलता हूँ, सच बात है ये मान के चलिए। आप रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लेना। चेन्नई जोन की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 761 पोस्ट है जनरल के, मान के चलिए 44 से 50 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन अगर आपको लेना है दोस्तों। वहीं ओबीसी की बात करूँ 46 नंबर आपके इस बार चेन्नई जोन में, ये मान के चलिए 45 के आसपास कहीं आसपास वेरी करेगी कट ऑफ। एससी एसटी की बात करें दोस्तों 42 से 40 के बीच में, मतलब कि मान के चलिए अगर आपका 40 नंबर है तो कहीं ना कहीं सेफ हो आप इस जोन में। दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं पटना जोन की, पटना जोन में 720 पोस्ट है इस बार। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे जैसे जैसे मैं लास्ट में आता जा रहा हूँ नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है लोको पायलट के लिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे चांसेस थोड़े कम होते जा रहे हैं नंबर ऑफ, ये जो मैंने अभी बताया है कट ऑफ वो थोड़ी बहुत इंक्रीज होती जा रही है। तो ये मान के चलिए जनरल में 44 से 48 के बीच में या 50 के आसपास अगर आपके हैं सुपर सेफ है ये मान के चलिए जनरल और ओबीसी दोनों के दोनों। ओबीसी में 45 नंबर के आसपास हो सेफ हो आप मान के चलिए, एससी एसटी बात करूँ अगर तो 35 से 40 के बीच में आपके हैं तो कहीं ना कहीं साइको का कॉल आ सकता है आपका। दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं मालदा की और चलते हैं 801 नंबर, मतलब ये मान के चलिए 800 के आसपास है आपके करीब मालदा में पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं जनरल ये मान के चलिए 45 के आसपास या 48 के आसपास आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो मालदा के लिए, साइको का कॉल आ सकता है आपको। दोस्तों ओबीसी की बात करूँ यहाँ पे 48 नंबर के आसपास यहाँ पे मालदा वाला सेफ है, वहीं एससी एसटी की बात की जाए तो 42 से 38 के आसपास आप मालदा में लाते हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो मालदा में, साइको का कॉल आ सकता है। ये सारी की सारी कट ऑफ जो मैंने बताई है अभी दोस्तों ये सारी की सारी लोको पायलट की है, लोको पायलट के लिए है, टेक्नीशियन के लिए नहीं है ना कि पीसीएम के है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी की सारी कट ऑफ ओनली फॉर लोको पायलट है, पोस्टें भी लोको पायलट की ही बताई है मैंने। तो दोस्तों यहाँ पे आगे वीडियो में बात करता हूँ डेंजर जोन की, मान के चलिए गुवाहाटी सिलीगुड़ी अहमदाबाद जम्मू कश्मीर त्रिवेंद्रम ये सारे के सारे, इसमें कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी, इतनी हाई नहीं रहेगी ना कि ये मैं एक तरीके से ये नहीं कह रहा कि ये डेंजर जोन है यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है, लेकिन एवरेज जो यहाँ पे अगर 40-44 की बात करूँ तो वो उतनी नहीं रहेगी, ये मान के चलिए 50-48 के बाद या 45 से 50 के बीच में वेरी करेगी। तो दोस्तों ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका साइको कॉल इन बीच में वेरी करेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, था हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो
और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इस एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज़ और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर देते रहेंगे। सब्सक्राइब के साथ ही आप नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।